रमजान का महीना तो पूरा माफी का महीना है कि दोजख के दरवाजे बंद हो जाते हैं, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, शैतान कैद। अब देखते नहीं नमाजी क्यों बढ़ जाते हैं रमजान शरीफ में, क्यों ना मुराद कैद हो जाते। तो किसी को जंजीरों में बांधो वो चल तो नहीं सकता, छोड़ दो जंजीरें तो चल पड़ेगा। तो अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए, कोई दावा ना करे, लेकिन जो थोड़ा सा गफलत में होता है तो ईमान कमजोर होता है, उन्हें तो शैतान बन के जावा नहीं देते। जुमे जावांगे, जुमे कई जुमा भी नहीं पढ़ते, ईद ते जावांगे, कोई ईद भी नहीं पढ़ते। यही ये एक नगीना सिनेमा के मालिक ने बयान करवाया था और उसने बाद में उस सिनेमा को गिरा दिया, आजकल वो कनाडा में होता है। तो वो सैनमे का जो था ना मैनेजर, वो मेरे पास आया, कहा मौलाना आज मैं पहली नमाज पढ़ी है, वहाँ हमने मगरिब की नमाज पढ़ी। उसके बाद बयान हुआ, बयान के बाद वो इतना हंगामा हुआ कि रश बहुत था, तो वहाँ नमाज पढ़ी नहीं जा सके। हमने कहने लगा मैं चल रहा था मेरे साथ साथ, मौलाना आज मैं पहली नमाज पढ़ी। मैंने कहा क्या मतलब? कहा जी यही कि आज जिंदगी की पहली नमाज पढ़ी, होगा राउंड अबाउट 40-45 साल का। मैं कहा पहली नमाज? हाँ जी पहली नमाज। जुमा पढ़े? नहीं कभी नहीं। ईद? नहीं कभी नहीं। आज पहली नमाज तुहाडे पीछे पढ़ी है। शैतान जब कैद होता है तो जंजीरें खुल जाती हैं, तो नमाजी बढ़ना शुरू हो जाते। उसके बाद जो घटते हैं ना, तो शैतान की वजह से नहीं, अपनी आदत और सुस्ती की वजह से। पहले दो तरह दिन बड़ा जोश होता है, फिर उसके बाद घटते 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 अधे को फिर निकल जाते, अधे रह जाते। तो तरावी में भी पहले पूरी मस्जिद भरेगी, फिर एक सफ जाएगी, फिर दूसरी जाएगी, फिर तीसरी जाएगी। तो भाइयों ये रमजान आ रहा है, देखो मैं हाथ जोड़ता हूँ, नमाज 5 वक्त सारा साल फर्ज है, लेकिन रोजे की बरकत से क्या होता है, शैतान कैद हो जाता है तो वो सारे भागे भागे आ रहे होते हैं। अल्लाह से मांग लो इस रमजान में कि या अल्लाह ऐसी तौफीक दे कि मौत तक नमाज ना छूट। रमजान में बहुत से लोग रिश्वत लेना छोड़ देते हैं कि नहीं जी हूं रमजान शरीफ आ गया, तो रमजान शरीफ भी तो आया है, लेकिन असल में शैतान कैद हुआ है, तो अब कह रहे नहीं हूं रिश्वत नहीं लेनी, महीने बाद लवांगे। डंडी मारने वाला कहता नहीं सही तोलना है, फिर रमजान तो बाद कट्ठी कसर कर लवांगे। वो क्या वजह है पीछे? एक तो रमजान की बरकत है और एक शैतान का कैद होना है, और एक जन्नत के दरवाजों का खुल जाना, दोजख के दरवाजों का बंद होना, अल्लाह के अर्श का पहले आसमान पे मुस्तकिल डेरा डाल देना, और फिर ऐलान करना है कोई बख्शिश आने वाला है, कोई माफी मांगने वाला है, कोई तौबा करने वाला है, कोई जन्नत मांगने वाला है, कोई दुनिया मांगने वाला, आओ मांगो। और एक फरिश्ता ऐलान करता है ए भलाई के चाहने वाले शाबाश आगे बढ़, और दूसरा फरिश्ता ऐलान करता है ए बुराई के करने वाले बस कर और वापस आ जा, बस कर और वापस आ जा। रमजान का मतलब है जल जाना, रमजान के लफ्ज का मतलब है जल जाना। जलने का मतलब क्यों है इसमें कि रमजान में अल्लाह सारे गुनाहों से अपने बंदों को पाक कर देता है और उनके गुनाहों को जला देता है, जिससे वो पाक होकर बाहर, सोना आग में जल के खालिस होके बाहर आता है, रोजा रखने वाला भूख की आग में जल के खालिस होके बाहर आ जाता है, अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ फरमाता है। ध्यान नाल सुने, सबसे आला दर्जे का मुसलमान, मेरे नबी का जवाब, जो सारा दिन मुसल्ले पे बैठा रहे, जो हर साल हज उमरा करे, जो मस्जिद से ना निकले, जो रात को कुरान पढ़े, दिन में रोजे रखे, नहीं सुनो गौर से सुनो, मन सलीम अल मुस्लिमून लिसान ही वजह दे, सबसे आला दर्जे का मुसलमान फैसलाबाद का वो है जो अपने मुसलमानों को तकलीफ ना पहुंचाए, जो हाथ और जबान से किसी को तकलीफ ना पहुंचाए, वो सबसे आला दर्जे का मुसलमान है। सुभान क्या बात। मेरे नबी से एक साहबी ने पूछा या रसूलुल्लाह हमारे मोहल्ले में एक खातून रहती है, रात को तहज्जुद पढ़ती है, दिन में रोजे रखती है,
पर उसकी जबान बहुत सख्त है, बहुत बेइज्जती करती। हमने कहा जहन्नम में जाएगी। कहा जी एक खातून है जो न नफली रोजा, लेकिन उसकी जबान का बोल बड़ा मीठा है, कहा वो जन्नत में जाएगी। तो सबसे आला दर्जे का मुसलमान कौन है जो किसी को तकलीफ ना पहुंचाए। फिर उसने पूछा अय्युल ईमान अफदल, सबसे आला दर्जे का मोमिन कौन है। ताब ने फरमाया हुस्नुल अखलाक, जिसके अखलाक अच्छे हों वो सबसे आला दर्जे का ईमान वाला है। क्योंकि तकलीफ ना पहुंचाना अखलाक की एक सिफत है और अखलाक की बेशुमार अकसाम। मेरे नबी ने फरमाया अच्छे अखलाक 360 सिफात का नाम है। एक सिफत भी किसी मुसलमान मर्द औरत के अंदर होगी तो जन्नत में चला जाएगा। सामने अबू बकर बैठे थे, कहने लगे या रसूलल्लाह को मेरे अंदर भी है। तो आपने फरमाया तेरे अंदर सारी है, सारी तेरे अंदर सारी। तो इब्तदा भी बता दी, इंतहा भी बता दी, और इबादत भी मुसलमान को अखलाक तक पहुंचाती है। अब सुनो कुरान से, अल्लाह ताला इंसान किसे कहता है ईमान वालों को। इन्नल्लज़ीन कफरू मिन अहलिल किताब वल मुशरिकीन फी नार जहन्नम खालिदीन फीहा उलाएक हुम शर्रुल बरिया। सबसे बदतरीन मखलूक वो है जो अल्लाह को ना माने, जो अल्लाह के दीन को ना माने। आपने कहा वह सबसे बदतरीन मखलूक। तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह हमें इंसानियत में दाखिल करता है। इंसान है ही वो जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ता हो मेरे रब के नजदीक। नमाज क्या है, नमाज क्या है, बोल भाई। हां मेरा अल्लाह कहता है इन सलात तनहा, अब आई नहीं चल रहा, थोड़ी आवाज है। नमाज क्या है, इन सलात तनहा अनिल फहशा वल मुनकर, तुम नमाज पढ़ो ये तुम्हें बदअखलाकी से बचाएगी और ये तुम्हें गुनाहों से बचाएगी। तो नमाज भी इंसान को अखलाक तक ले जा रही, फहाशी से बचाएगी, गुनाहों से बचाएगी, अखलाक की तरफ सफर। रोजा आ रहा है, रोजा किस लिए है, कुतिब अलैकुम अस्सियाम कमा कुतिब अलल लदीन मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। तुम पर रोजा फर्ज किया है जैसे पहलों पे किया था ताकि तुम तक्वे वाले बन जाओ। तक्वे वाले कौन हैं, वसारिउ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहा अस्समावातु वल अर्ज़ु उद्दत लिल मुत्तक़ीन। कि मेरे बंदो दौड़ो जन्नत की तरफ जो तकवे वालों के लिए। मुत्तकी कौन उन दिन तकवे वाले, या अल्लाह का अल्लज़ीन युनफिकून फिस्सर्रा वद्दर्रा, का जो मेरे नाम पे सखावत करते हैं चाहे तंग दस्त हो चाहे पैसे वाले, चाहे थोड़ा माल होवे चाहे ज्यादा माल होवे, वो मेरे नाम पे खर्च कर दें। अलकाज़िमीन अलगैज़, जो गुस्से को पी जाते हैं। वलआफीन अनिन्नास, और जो लोगों को माफ कर देते हैं। अल्लाह ताला कह रहा है ये तक्वे वाले हैं। तो रोजा भी अखलाक पे ले जा रहा है। फमन फरद फीहिन्नल हज फला रफथ वला फुसूक वला जिदाल। मेरे रब ने कहा हज का इरादा कर लिया है तो जवान की गंदी, जवान का गंदा लहजा और जवान के गंदे बोल से बचो, लड़ाई से बचो, गुनाहों से बचो। तो हज भी मीठे बोल पे ला रहा है, लड़ाई से बचने पे ला रहा है, नाफरमानी से बचने पे ला रहा है। खुद मिन अम्वालहिम सदकातन तुतहिरहुम वतुज़क्कीहिम बिहा वसल्ली अलैहिम। मेरा रब फरमा रहा है मेरे महबूब इनसे जकात लें
और इनको पाक करें और इनको इनका तस्किया करें, इनको एक अच्छा इंसान बनाएं। जक़ात हो अखलाक बनते हैं, रोज़ा हो अखलाक बनते हैं, हज हो अखलाक बनते हैं, नमाज हो अखलाक बनते हैं, कलमा हो इंसान बनता है। ये इतना जोर क्यों दिया है अखलाक पर कि मेरे भाइयों, अच्छा मुआशरा जो वजूद में आता है वो एक दूसरे को माफ़ करने से वजूद में आता है। मस्जिद नमाज के लिए है और नमाज एक इनफरादी अमल है जो करके मैं घर चला जाता हूँ, दफ्तर चला जाता हूँ, पढ़ूँ ना पढ़ूँ, ना पढ़ने का गुना मुझ पर, पढ़ने की नेकी मुझ पर। लेकिन अगर मेरे अखलाक बुरे हैं, रोज़ा मेरी चीज़ है, रखूँ अजर नहीं रखूँ पकड़, जक़ात दे दूँ अजर ना दूँ पकड़, हज कर लूँ अजर ना करूँ पकड़, सिर्फ मेरी जात से के गिर्द है, नमाज भी रोज़ा भी हज भी जक़ात भी। लेकिन बुरे अखलाक जितना मुआशरे में मेरा असर है वह सब तबाही फैला देंगे, और अच्छे अखलाक जितना मुआशरे में मेरा असर है वहां खूबसूरती को फैला देंगे। इबादत छुप जाती है, मैंने फजर पढ़ी है कि नहीं पढ़ी आपको पता है? बोलो, आपने पढ़ी है या नहीं पढ़ी मुझे कोई पता है नहीं है। लेकिन यहां बैठ के अल्लाह ना करे मैं फिरका वारियत की बात करूं, आप सबको पता चलेगा कि नहीं चलेगा कि मौलवी अगला आ रहा है, और यहां बैठ के मैं मोहब्बत की बात करूं तो आपको पता चलेगा कि नहीं चलेगा कि ये मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले अखलाक बता रहा है। तो अखलाक छुपते नहीं, बुरे हों या अच्छे हों जाहिर होते हैं। और सबसे ज्यादा उस आदमी का खानदान, जिस आदमी को बदतमीजी की आदत है वो बीवी के दिल को बर्बाद कर देगा, माँ बाप के दिल को बर्बाद कर देगा, औलाद को बर्बाद कर देगा, दोस्तों को नौकरों को बर्बाद कर देगा। उसके नौकर सामने कहेंगे मियाँ साहब, शेख साहब, सेठ साहब, खान साहब, उठे जाके गाली कढ़न। और जिसके अखलाक अच्छे होते हैं वो अपने घर को खूबसूरत बना देता है, रिश्तों को खूबसूरत बना देता है, मुलाजमों को खूबसूरत बना देता है, अपने कारोबार को, अपनी जिंदगी को, हर पहलू उसका खूबसूरत हो जाता है। अच्छे अखलाक लिबास की तरह है जो मेरा हर ऐब छुपा लेते हैं, और बुरे अखलाक नंगे आदमी की तरह है जिसका हर ऐब सामने आ जाता है। और अल्लाह की रहमत इतनी ताकतवर है कि मेरा रब फरमाता है, ये तो मैंने 5 गलतियां बताई हैं, लेकिन मेरा रब फरमाता है मेरा बंदा मैं तुझे उम्र भी देता हूं ताकत भी देता हूं, तू इतने गुनाह करके जमीन फैसलाबाद की से उठाकर आसमान की छत को लगा दे, सारी दुनिया गुनाहगार हो जाए ना तो आसमान क्या चांद तक भी गुनाह नहीं जा सकते। और मेरा अल्लाह कह रहा है एक मर्द औरत इतने गुनाह करे कि आसमान की छत को लगा दे, फिर सिर्फ एक दफा मुझे कहे या अल्लाह माफ कर तो मैं सारे ही माफ कर दूं। तो भाइयों ये रात भी माफी मांगने की है। तो मेरे अजीज और रमजान शरीफ आ रहा है, अपने दिल को कीनत से साफ करो, बुगज से साफ करो, नफरत से साफ करो, किसी से लड़े हुए हो अल्लाह के वास्ते सुलह कर लो, ये लड़ने की जगह नहीं है, मोहब्बत करके जाओ तो अल्लाह बड़े ऊंचे आली दर्जात नसीब फरमाएगा। और अल्लाह ताला मौका दे तो रमजान में एक 3 दिन तबलीग में अल्लाह के रास्ते में जरूर लगा लेना। तो सारे